हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि अ फैशन डिजाइनर इज डिजाइन अ फैब्रिक पैटर्न इन ईच रो देर आर सम शेडेड स्क्वायर एंड अनशेडेड ट्राइंगल। आइडेंटिफाई एपी फॉर द नंबर ऑफ द स्क्वायर इन ईच रो। हर एक रो के अंदर जो नंबर ऑफ द स्क्वायर है उसको एपी के टर्म में आइडेंटिफाई करें, यानी कि एपी बनाइए उसकी। आइडेंटिफाई एपी फॉर द नंबर ऑफ द ट्राइंगल इन ईच रो। हर एक रो के अंदर जो ट्राइंगल है उसके टर्म में भी जो एपी गिवन है उसके लिए भी क्या करो, आपको एपी लिखना है। बाद में थर्ड है, जो सेकेंड में ही राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ द ट्राइंगल इन एंथ नंबर ऑफ द रो एंड हेंस फाइंड एस टेन एंड इफ ईच शेडेड स्क्वायर इज वन ऑफ इज ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। इफ ईच शेडेड स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर देन फाइंड द शेडेड एरिया व्हेन 15th रो हैव बीन डिजाइन। ठीक है, 15th नंबर की रो में जो शेडेड रीजन होगा उसका एरिया कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। दोस्तों एक क्वेश्चन तो मस्त मजा का है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है आइडेंटिफाई एपी फॉर द नंबर ऑफ द स्क्वायर इन ईच रो। फोर स्क्वायर ओके, फर्स्ट का आंसर है आपका एपी क्या बनेगी। फर्स्ट रो के अंदर नंबर ऑफ द ट्राइंगल स्क्वायर कितने हैं 1, सेकेंड रो के अंदर कितने 3 है, थर्ड रो के अंदर 1 2 3 4 5 है, बाद में 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 9 आपकी एपी बन गई। सेकेंड क्वेश्चन के लिए आइडेंटिफाई एपी फॉर द नंबर ऑफ द ट्राइंगल इन ईच रो। फर्स्ट रो के अंदर कितने ट्राइंगल 1 और 2, दो ट्राइंगल है। सेकेंड रो के अंदर फर्स्ट रो के अंदर आपको मैं ट्राइंगल यहाँ पे गिना दू तो कलर एक चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट रो के अंदर कितने ट्राइंगल है 2, सेकेंड रो के अंदर 1 यहाँ पे 2 3 4 5 6 कितने हैं 6 है। थर्ड रो के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थर्ड रो के अंदर हो गया। फोर्थ रो का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ पे 14 है, यहाँ पे कितना हो गया 18 हो गया। ओके बन गया अभी। नाउ राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ द ट्राइंगल इन nth रो। nth रो के लिए टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा। ओके तो हमारे पास एपी तो है, ओके उसमें ए क्या है 2 है, डिफरेंस कितना है d = 6 - 2 यानी कि 4 का डिफरेंस है। ओके sn का फॉर्मूला sn = n/2 2a + n - 1 d। एक ही जगह पे आपको क्या पुट करना है 2 2 ब्रैकेट में 2 n - 1 डिफरेंस कितना है 4 ओके पुट कर दो। नाउ sn = n/2 2^4 + 4n - 4 प्लस 4 - 4 कैंसिल हो गया, 4n * n करो तो क्या होगा 4n² / 2 तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा 2। आपका आंसर क्या होगा sn = 2n². अब आपको क्या कहा है हेंस फाइंड द s10, आपको बाद में s10 फाइंड आउट करना है। तो s10 के लिए क्या हो जाएगा n की जगह पे 2 10 पुट कर दो, 2 ब्रैकेट में 10 का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 2 जा 200 तो 10th रो तक के जो स्क्वायर हो गए उसका सम कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ओके अब जो लास्ट सेक्शन है ओके उसको नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते, तो उससे पहले ही यहाँ पे जो दोनों सेक्शन समझ लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ए बी।
फोर स्क्वायर तो 1357 ओके, वो तो जस्ट आपको कैलकुलेट करने हैं ओके। फोर सेकेंड जो है ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर ध्यान से कैलकुलेट करना, ऊपर दो ट्राइंगल है, सेकेंड रो के अंदर ऊपर दो नीचे चार, तो 2 + 4 = 6 होगा। उसी तरह थर्ड रो के अंदर ऊपर 4 और नीचे 6, तो 6 + 4 = 10 होगा। इस पर 14 ओके, ये आपको एपी बना दी। बाद में ए ऐसा है के जो उसका और का आंसर है उसमें और में कोई दिया है एस एन फाइंड आउट, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a + n - 1d, तो उसमें ए की जगह पे 2 पुट कर दो, डी की जगह पे 4 पुट कर देंगे, ए की जगह पे 2 तो जब 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 अंदर की साइड मल्टीपल, तो 4n - 4 तो +4 - 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एन इंटू एन यानी कि एन स्क्वायर होगा और 4n² / 2, तो यहाँ पे एक बार 2 कैंसिल करोगे तो ऊपर क्या बचेगा 2n² एस एन इज इक्वल टू 2n² मिलेगा, और एस 10 करने का है तो 2 10 का स्क्वायर 100 200 हो जाएगा। नाउ जो लास्ट क्वेश्चन है कि उसमें क्या कहा है, इफ ईच साइडेड स्क्वायर इफ साइड 2 सेंटीमीटर तो हर एक का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर ओके, साइड उसकी कितनी है 2 सेंटीमीटर है, तो साइड स्क्वायर होता है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर² होता है। अब यहाँ पे ईच साइडेड स्क्वायर ऑफ द 2 सेंटीमीटर देन द फाइंड द सेंटर्ड एरिया व्हेन 15th रो हैव बीन डिजाइन ओके, सेंटर्ड एरिया कितना होगा 15वीं रो के अंदर, फाइंड द सेंटर्ड एरिया व्हेन 15 रोस वेल बीन डिजाइन, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, आपको 15 रो तक का फाइंड आउट करना पड़ेगा सम। फर्स्ट ऑफ ऑल वापस हमें यहाँ पे क्या है कि 15 रो तक कितने स्क्वायर होगा वो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, पहले वापस एक बार एपी लिख देते, एपी क्या है 1, 3, 5, 7 उस तरह से एपी जा रही है, तो ए यानी कि क्या है 1 है, डिफरेंस कितना है 2 है ओके। अब एस एन पुट कर देते और एन की वैल्यू आपको क्या कहा है 15 दिया है, एस 15 ओके, पहले तो एस एन का फॉर्मूला, तो एन बाई टू 2a + n - 1d, तो यहाँ पे लिख दो एस 15 इज इक्वल टू 15/2 2 a की वैल्यू 1 + n - 1 क्योंकि 15 - 1 डिफरेंस कितना है 2 का, तो यहाँ पे 15/2 का 15/2 एज इट इज 2 15 - 1 14 14 2 28 इंटू 2 करोगे तो 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 15 (2)(30 को 2 से डिवाइड कर दोगे क्या मिलेगा वापस 15 मिलेगा, तो 15 × 15 225, तो यहाँ पे एस 15 कितना मिल रहा है 225 नंबर ऑफ द स्क्वायर है, तो टोटल एरिया शेडेड एरिया क्या होगा, टोटल शेडेड एरिया इज इक्वल टू 4 × 225 यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ द स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हो एरिया ऑफ एरिया इंटू एस 15 एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ द स्क्वायर एस 15 तो 4 × 225 करेंगे तो क्या होगा 900 cm² हो जाएगा, कितना हो जाएगा 900 cm² ऐसा आंसर आपको मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल हम एस एन यानी कि n/2 2a + n - d ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 2 है और एन की वैल्यू 15, तो 15/2 2 × 1 = 2 और 15 - 1 का 14 14 2 = 28 28 + 2 करो 30 मिल जाएगा, 30 को 2 से डिवाइड करो 15 15 × 15 कर दोगे तो कितना मिलेगा 225 नंबर ऑफ द स्क्वायर हुए और टोटल शेडेड एरिया ओके, तो शेडेड का स्पेलिंग भी रॉन्ग हो गया हमारा ओके, तो टोटल शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इंटू टोटल नंबर ऑफ द स्क्वायर, 4 × 225 करोगे तो 900 cm² आपको आंसर मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माई वीडियोज, हैव अ नाइस डे।